ईएमआर वर्सेस दुबई के बीच में होने वाले आज के पहले एमिरेट्स डी 10 मैच के बारे में नई टीम है, नए प्लेयर्स है, एनालिसिस जाना अपने बहुत जरूरी है। कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मिनी जीएल से लेकर के मेगा जीएल तक का पैसा कमाने में मदद करके देंगे। स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस की 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का, तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लगा। आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गया या फिर कोई 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस हो गए, जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँ उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा। 70,000 के करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले इससे फ्री में ज्वाइन है, आप भी फ्री में ज्वाइन हो जाना, आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पे कवर करके दूंगा। जहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये जो मैच है मुझे लगता है दुबई की टीम का जीतने के चांसेस ज़्यादा है। एमिरेट्स रेड की टीम इस सीजन में डेब्यू कर रही है, इससे पहले कोई भी 10 ओवर के लेवल को मैचेस नहीं खेल रहा, पहला मैच खेल रही है ऐसा टीम, लेकिन दुबई की टीम ने इससे पहले 10 ओवर के लेवल के भी ऊपर मैचेस खेल रखा है। ये जो मैच होने वाला है आपको दुबई के अजमान के स्टेडियम पर होने वाला है, मलिक क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम पर, जहां का एवरेज स्कोर आपको आखिरी के 5 मैचेस के तक करीब करीब आपको 106 रन करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होगा। बल्लेबाजों के ऊपर आपको फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले एस तारिक जो कि दुबई की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, 20 ओवर के लेवल को भले ही इसको मौका मिल जा रहा है, वहां पर परफॉर्मेंस भी कर दे रहा है, लेकिन ये मैच जो है ना 10 ओवर का है और इसका बल्लेबाजी क्रम कहां पे, इसका बल्लेबाजी क्रम 6 नंबर पे आएगा। यही रीजन है कि मैं इसको लेकर के नहीं चलूंगा और मैं सैयद वसी शाह को लेकर के चलने वाला, ये मेरा पहला रिस्की प्लेयर है। अगर ये बल्लेबाजी में तीसरे पे आ जाए ना तो तबाही मचाने वाला प्लेयर है, 20 बॉल भी खेल गया तो आपको 50+ रन बना करके दे देगा, छक्के चौके मारने में माहिर प्लेयर है। और मैं एक बार फिर से इसके ऊपर रिस्क लेकर के चलने वाला, आखिरी के 6 में से 2 मैचेस ऐसे गए वो जहां पे इसने 70 या 70 से ज्यादा रन बना करके दिया हुआ है और काफी शानदार प्लेयर है, बस मौका मिलने की देरी है। बाकी यहाँ से वी कुमार हो गया, वंश कुमार, एस इफ्तेरी हो गया, एस उल भत्ती हो गया, ये तीनों में से कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। आपको लेना है तो एस तारिक और सैयद वसी शाह में इससे किसी को लेकर के चलना है। एस तारिक को इसलिए लेकर के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है और ऐसा विकेट कीपर इस समय खेलते हुए नजर आने वाला है। बल्लेबाजी ऑप्शन है, सबसे पहले मैं लेकर के चलूंगा तैमूर अली को। अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा या फिर बल्लेबाजी में तीसरे पे आएगा ना, तो प्लेयर बहुत 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 शानदार है। बस एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि कई बार इसका बल्लेबाजी क्रम 5वें नंबर पर भी कर दिया जाता है, लेकिन 10 ओवर का मैच है, जो भी ऐसा ओपनर आएंगे वो प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेकर के चलने की कोशिश करें, जो कि लाइनअप आने के बाद ही आपको मालूम चल पाएगा। तैमूर अली ने आखिरी के सपने 5 मैचेस खेल रखा, वहाँ पे 173 रन बना करके, और यही एक रीज़न है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा फॉर्म में, तो मैं इसको लेकर के चलने वाला हूँ। सबसे पहले रौनक पनौली जो कि दुबई की टीम का सबसे मेन प्लेयर है, जो कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ करके देगा। रौनक पनौली बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके पूरे पूरे देने के चांसेस रहेंगे। 20 ओवर के लेवल के बाद तो बहुत अच्छा खेलता है, यहाँ पर देखने वाला है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस करके आपको दे पाएगा। बाकी प्लेयर ऐसा है जिसको आप बिना कुछ भी सोचे ऐसा केवीसी बना करके चलना, सभी लोग इसको केवीसी ही ले करके चलने वाले हैं। उसके अलावा एन केसवानी जो कि बल्लेबाजी में आपको 4 नंबर पे आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से ये भी 2 ओवर पूरा करके देगा। उसके बाद ए लाकड़ा जो कि एक स्पिनर बॉलर भी है, बल्लेबाजी में भी एज अ ओपनर आएगा और आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। यही तीन वो प्लेयर्स हैं, यही तीनों वो प्लेयर्स हैं जिनके दम पर सभी लोग कह रहे हैं कि दुबई की टीम के जीतने के चांसेस 95% करीब रहने वाला है। दुबई के पास जिस तरीके के बल्लेबाज है ना, जिस तरीके से ऑलराउंडर्स है ना, वो आपको ये तीनों प्लेयर्स हैं जो कि बल्लेबाजी में भी टॉप आ पाएंगे। ये दोनों ऐसा ओपनर आएंगे,
और बल्लेबाजी में फोर्थ नंबर पे आपको नजर आएगा एन केसवानी। तो यही रीजन है कि मैं आपको कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि तैमूर अली बल्लेबाजी में पांचवे पे आएगा, क्योंकि सैयद शाह बल्लेबाजी में तीसरे पे आ जाएगा और फिर उसके बाद सीधे सीधे बल्लेबाजी में सिक्स पे आपको एस तारिक नजर आ सकता है। एक और इनके पास काफी अच्छा प्लेयर है जिसका नाम है एस नवाज, जो कि बल्लेबाजी में सेवन नंबर पे आएगा, लेकिन मेनली जो है बॉलर है, मेनली जो है बॉलर है, बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा करेगा। आखिरी के पांच जो इसने मैचेस कर रखे हैं वहाँ पर इसको चार विकेट मिला हुआ है, एक एक विकेट आराम से आपको लेकर के दे सकता है। बाकी यहाँ से कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। ए यहाँ से पुथान वेथिल की बात करो, जो कि एमिरेट्स रेड की टीम का सबसे मेन प्लेयर्स में से एक है, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ में काफ़ी अच्छा प्लेयर है। आखिरी के छः मैचेस जो इसने खेल रखे हैं वहाँ पे 200 प्लस रन बना करके आया, 50 ओवर के लेवल के पास मैचेस में, और बॉलिंग से भी इसको आखिरी के छः मैचेस में 12 विकेट के करीब मिला हुआ 50 ओवर के मैच में। तो ये अभी इस समय फॉर्म में भी है, प्लेयर भी बहुत बड़े लेवल का, तो मैं लेकर के चल रहा हूँ। बाकी मैं आपको कहूँगा कि स्टीव बर्कन 100 को इसलिए लेकर के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम भी काफ़ी नीचे आएगा, पाँचवें या फिर छठे नंबर करीब आएगा। बॉलिंग से भी कितना ओवर करेगा कुछ कन्फर्म नहीं है। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शन है अब्दुल मलिक, जो कि दुबई की टीम का सबसे मेन बॉलर है, दो ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, बॉलिंग से ओपने तक करेगा। राहुल भाटिया जो कि बल्लेबाजी में नीचे आएगा थोड़ा सा, बल्लेबाजी में तो नीचे आएगा ही आएगा, 90 नंबर करीब, मेनली बॉलर है, बॉलिंग से दो ओवर पूरा करेगा, आखिरी के उसमें बॉलिंग करके देगा। वसीम अकरम जो कि एमिरेट्स की टीम का सबसे मेन बॉलर है, दो ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, आखिरी के छः मैचेस में इसको छः विकेट भी मिला हुआ है, तो ज़रूरी बॉलर रहेगा। आफ्ताब का यानी काफ़ी अच्छा बॉलर है। एफ अफरीदी, अगर आप आखिरी के इसके पाँच मैचेस को निकाल दो ना तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आखिरी के पांच मैचेस जो इसने खेला एक भी इसको विकेट नहीं मिला है, एक भी नहीं। लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया, एस बवा आखिरी के चार मैचेस में इसको छः विकेट भी मिला हुआ, 20 ओवर के लेवल के बाद, तो बहुत अच्छा करता है, यहाँ पे देखने वाली बात है, और काफ़ी अच्छा प्लेयर भी है, बड़े लेवल का प्लेयर, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा करके आपको देना ज़रूर चाहिए। बाकी देखते हैं आफ्ताब कयानी और एफ अफरीदी को, पर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में रिस्क लेकर के चलना। यहाँ से आपको रिस्क लेना तो एस नवाज और सी बर्कन 100 आपके लिए अच्छे प्लेयर रहेंगे। बल्लेबाजी ऑप्शन है एफ बाबर के ऊपर रिस्क लेना, मैं अभी एस अमीन को लेकर के चलने वाला हूँ, और यहाँ से सोच ये रहा हूँ कि एस बवा और वसीम अकरम में से किसी एक प्लेयर को ना लेकर के, या फिर यहाँ से किसी को निकाल करके अभी मैं एस बवा को ना, या फिर इसको लेकर के सीधे सीधे मैं निकालने का सोच रहा हूँ राहुल भाटिया को, इसको ना लेकर के मैं सीधे सीधे यहाँ से लेकर के चलूँगा जिसका नाम है ए बदामी। अगर ये बल्लेबाजी में फोर पे आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा, और इस समय जो बॉलिंग भी कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग से दो ओवर पूरा करेगा तो ज़रूर लेकर के चलना, आपको लग रहा है कि अमीर इरफान बॉलिंग से दो ओवर पूरा करेगा तो इसको लेकर के चलना, ये दोनों में से कोई एक ही प्लेयर बॉलिंग करके आपको देगा, जो भी आपको बॉल करके देगा ना वो आप अगर आपने उसके ऊपर रिस्क लिया होगा तो काम करके आपको बहुत तगड़ा करके देगा, तो ये दोनों में से कोई एक ही बॉलिंग करेगा। अभी मैं बादामी को लेकर के चल रहा हूँ, बादामी को जो कि चार नंबर पे आपको बल्लेबाजी के लिए भी आ जाएगा। मैं कैप लेकर के चलने वाला हूँ रौनक पनौली को, वीसी लेकर के चल रहा हूँ जिसका नाम ए पुथन वेथिल को, बाकी इसके अलावा ये लाकड़ा भी आपके लिए ऐसा वीसी का अच्छा प्लेयर रहेगा। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का तो मुझे को भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।